अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ बहुत ही सिंपल और इजी और क्विक रेसिपी अनियन राइस की। जो लोग को कुकिंग नहीं आती या फिर उन्हें राइस बनाना नहीं आता, ये फॉर बैचलर है, बिगिनर्स हैं, तो उनके लिए ये रेसिपी बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो मेरी इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आपकी राइस बहुत ही खिले खिले बनने वाले हैं मेरी रेसिपी को अगर आप फॉलो करते हैं। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। अनियन राइस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पतीला लिया है, उसमें 4 बड़ी चम्मच मैंने यहाँ रिफाइन ऑयल यूज़ किया। आप चाहे इसके जगह आप चाहे तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं और घी भी यूज़ कर सकते हैं। जब हमारा ऑयल जब हीट हो जाएगा तो उसमें हम 1 से 2 प्याज ऐसे रफली चॉप करके उसमें डाल देंगे। तो प्याज को हमें लाइट गोल्डन फ्राई करना है, डार्क गोल्डन नहीं फ्राई करना है। तो यहाँ पे हमारा अनियन जो है वो अच्छी तरीके से गोल्डन फ्राई हो चुका है। तो हाफ ऑफ अनियन जो है हम निकाल लेंगे, निकाल के अलग प्लेट में रख लेंगे गार्निशिंग के लिए, वो हम लास्ट में करेंगे। तो बचे हुए प्याज में मैंने यहाँ पे साबुत खड़े मसाले ऐड कर दिए। तो साबुत खड़े मसाले में यहाँ पे 2 से 3 तेज पत्ता, 2 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1/3 चम्मच जीरा, इन सभी को हम थोड़ा सा उसमें क्रैकल कर लेंगे। जब वो क्रैकल हो जाएगा तब हम उसमें हमारे चावल को ऐड कर देंगे। चावल को आपको पहले से भिगा के रखने का कोई ज़रूरत नहीं है, इसे आप ले आपको जितना चावल बनाना है उसे वॉश करके डायरेक्ट डाल दें। तो यहाँ पे मैंने लिया है इंडिया गेट का मिनी मोगरा राइस, आप इसके जगह कोई भी चावल ले सकते हैं। तो इसे हम एक बार अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब हम इसमें वाटर ऐड कर देंगे। तो हमें वाटर उसका चावल का डबल लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने 2 कप या फिर 2 ग्लास चावल लिया है तो आपको 4 ग्लास पानी लेना है। तो उस हिसाब से आप वाटर उसमें ऐड करेंगे। और वाटर ऐड करने के बाद भी आप नमक ऐड कर सकते हैं या फिर उससे पहले भी ऐड कर सकते हैं। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लें। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच नमक ऐड किया है। तो जब हम हमारा चावल का पानी जब सूख जाएगा, इस स्टेज पे आ जाएगा, तो हमें फ्लेम को जो है उसे लो कर देना है, यानी कि दम वाले आँच पे रख देना है। इस स्टेज इसका ऐसा कंडीशन होना चाहिए उसमें ज़रा सा भी पानी नहीं दिखना चाहिए। तो 5 से 10 मिनट हो चुके हैं, हमारे राइस जो है बिल्कुल परफेक्टली कुक हो चुके हैं, बिल्कुल खिले खिले चावल बने हैं आप देख सकते हैं, और ये बिल्कुल परफेक्टली कुक हुए हैं। ये देखिए इसमें ज़रा से भी कसर बाकी नहीं है, ये बिल्कुल अच्छी तरीके से कुक्ड हो चुके हैं। अब ये रेडी है सर्व करने के लिए, अब हम इसे करेंगे सर्व। यहाँ पे मेरी अनियन राइस हो चुकी है सर्व। आप देख सकते हैं कितने खिले खिले और कितने परफेक्ट दिख रहे हैं। तो इस रेसिपी को अगर आप ये ट्राई करते हैं तो ये आपके लिए हेल्पफुल ज़रूर होने वाला है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो बिगिनर्स है जिन्हें पुलाव या फिर राइस बनाना नहीं आता है, उनकी राइस हमेशा स्टिकी हो जाती है। तो ये मेथड्स को फॉलो करेंगे तो आपकी राइस बिल्कुल खिले खिले बनेंगे। तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलिएगा। तब फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।